सर्दियों में कार्स के मतलब कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप और आपकी कार्स दोनों महफूज रहेंगी। और अगर आप इन टिप्स पर अमल नहीं करते तो आपको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अगर आपने सर्दियों के लिए टायर्स ले लिए हैं तो भी आपको इनका एयर प्रेशर यानी कि हवा अच्छे तरीके से चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में चीज़ें सुखड़ती हैं जिसकी वजह से टायर्स पर हवा का दबाव ज़्यादा बढ़ सकता है। इसकी वजह से ड्राइव करना तो मुश्किल होगा ही, मगर इससे टायर भी फट सकता है। नंबर दो, और एक लॉन्ग ड्राइव से पहले हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी को गर्म होने के लिए स्टार्ट ही छोड़ दें, मगर इस तरह गाड़ी का स्पार्क प्लग खराब हो सकता है जिसकी रिपेयरिंग पर आपको खर्चा करना पड़ेगा। नंबर तीन, सर्दियों में अपने गैस टैंक्स को जल्दी फिल करवा लिया करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गैस वाले पाइप्स सुखड़ कर बंद हो सकते हैं। नंबर चार, अगर आप बर्फ या सर्दी की लहर को उतारने के लिए गर्म पानी डालेंगे तो इससे गाड़ी के शीशे क्रैक भी हो सकते हैं। नंबर पाँच, बर्फबारी में सफर से ग्रेज करें, इससे कार को नुकसान पहुंच सकता है, खास तौर पर गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम को। नंबर छः, लॉन्ग टूर से पहले बैटरी का स्टेटस जरूर चेक कर लें, यह आपको एक बड़ी मुश्किल से बचा सकता है। नंबर सात, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, अगर आपने एक आईसी रोड पर बर्फ वाले रोड पर सफ़र किया है तो गाड़ी को वॉश ज़रूर करवाएं, क्योंकि इन रोड्स पर नमकियात का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिससे टायर्स के साथ लगी मेटल प्लेट या गाड़ी के नीचे लोहा या कोई भी मेटल मटेरियल को आसानी से जंग लग जाता है और वो ख़राब हो जाता है। इसलिए आईसी रोड पर सफ़र के बाद कार को नीचे से भी ज़रूर वॉश करवाएं। मज़ीद इस तरह के यूनिक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।